राज्य के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने रियल एस्टेट की समस्याओं के शीघ्र निपटारे का भरोसा दिलाया है। एमसीएचआई क्रेडाई के नवीनबाई रत्न पुरस्कार समारोह में आए एकनाथ शिंदे ने एक सवाल के जवाब में कहा कि रियल एस्टेट रोजगार और अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है, इसलिए सरकार बिल्डरों और विकासकों की समस्याओं को लेकर गंभीर है। उन्होंने सिडको और महानगर पालिका अधिकारियों को ओसी और एनओसी से जुड़े मामलों को शीघ्रता से हल करने का भी निर्देश दिया। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। क्रेडाई एमसीएचआई ने कोविड वॉरियर्स अवार्ड रखा था, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। जिनको ये सम्मान जिन्होंने पाया है उनका भी अभिनंदन करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और इसका आयोजन करने के लिए क्रेडाई एमसीएचआई के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल, ये जो रियल इस्टेट सेक्टर है इसमें लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। 200-250 छोटी बड़ी इंडस्ट्री ये डिपेंड करती है ये रियल इस्टेट सेक्टर पे, इसलिए बहुत ही एग्रीकल्चर के बाद ये सेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको सहूलियत देना, हेल्प करना भी ज़रूरी है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब पिछले बार भी हम लोग ने कई उनको रिलैक्सेशन दिया है, अभी भी उनकी जो डिमांड्स है, कुछ उनके छोटे बड़े प्रॉब्लम्स है, ये नवी मुंबई के हो, सिडको के हो, निश्चित रूप से उसको हल किए जाएंगे। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।